माता प्रोवाइड के ऐसे लॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ऐसे वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेंगे और मटेरियल भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इनका ग्लेज वाटर प्लाई से देख सकते हो कि बिल्कुल ये चकडोंगरी की तरह मटेरियल लग रहा है, लेकिन ये वाइट माताबर का मटेरियल है। बहुत से शॉपकीपर है जिसको चकडोंगरी बोल के भी सेल करते हैं, लेकिन हम जो क्वालिटी है उसका ओरिजिनल नाम से उसको सेल करते हैं, और काफ़ी अच्छी वाइटनेस है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो, वेलकम टू एनएम मार्बल्स, और आज मैं आपके लिए मकराना की सबसे प्रीमियम क्वालिटी, जो माताबर में सबसे प्रीमियम क्वालिटी आती है वाइट माताबर, वो लॉट लेके आया हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी वाइटनेस है माताबर में, और क्रिस्टल भी जीरो है। जिन कस्टमर का बजट मीडियम रेंज का होता है उनके लिए सबसे बेस्ट लॉट है, और काफ़ी अच्छी वाइटनेस है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसमें मैं आपको चकडूंगरी की स्लैब भी दिखाऊँगा, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितने अच्छे लॉट हैं माताबर में, अगर आपका बजट कम हो तो। और देख सकते हो बिल्कुल जो पैटर्न है वो चकडूंगरी का पैटर्न है, बारीक क्रिस्टल है, काफ़ी अच्छी इनमें वाइटनेस है। और वाटर अप्लाई से आप इनका आइडिया लगा सकते हो कि जब पॉलिशिंग होगी, लगने के बाद में जब पॉलिशिंग होगी तो कैसा लुक आएगा, कलर और ग्लेज का आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी अच्छी शाइनिंग है। आप देख सकते हो बिल्कुल मिरर पॉलिशिंग की तरह इसमें शाइनिंग आएगी, और वाटर अप्लाई से आइडिया लग जाता है कलर और पॉलिशिंग का। ग्लेज देख सकते हो आप, मकराना का मटेरियल है तो ग्लेज है, उसमें कैल्शियम के कारण सबसे ज़्यादा आता है। कोई सा भी ऐसा मार्बल नहीं है जिसमें 90 अबाव कैल्शियम मिलेगा, लेकिन मकराना ही एक ऐसा मार्बल है जिसमें 95% अबाव आपको कैल्शियम मिलेगा। और ये देख सकते हो आप, ब्लेड का जंग है येलो येलो, ये जब आप घिसाई कराओगे तो निकल जाता है। और मैंने भी इन अभी लॉट का घिसाई नहीं किया, इतना बढ़िया लॉट है कि मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना के कस्टमर को दिखाएं बिना घिसाई के, जो इनकी ओरिजिनलिटी है। और घिसाई करने के बाद में और भी इसमें दो पीस की घिसाई करवाने के बाद में और भी ग्लेज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी कस्टमर का बजट अंडर 100 हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट लॉट है, और काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है। वाइटनेस यही रहने वाली है, ना कि कोई एडिटिंग या इसमें ब्राइटनेस बढ़ाई हुई है। सेम जो स्लैब में आपको वाइटनेस देखने को मिलेगी यहाँ पे आने के बाद में, वही वीडियो में दिखाई गई है। और अब मैं आपको जो माताबर है ये वाइट, इसकी लोडिंग भी दिखा देता हूँ कि कस्टमर ने किस बजट के अंदर अपना मटेरियल परचेज किया। कस्टमर ने जो टोटल ही 4000 स्क्वायर फीट माताबर परचेज किया है, और आप देख सकते हो बिल्कुल बॉक्स पैक स्लैब और डायमंड पैटर्न इस स्लैब का। कस्टमर ने 75 रुपीज़ में इस स्लैब को परचेज किया है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये माताबर की। तो आपको मकराना की कोई सी भी क्वालिटी लेनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको चकडूंगरी की भी स्लैब दिखाऊंगा, और आप उन स्लैब से कंपेयर कर सकते हैं कि वो बजट के अंदर कस्टमर के लिए कितनी अच्छी स्लैब है। अब ये चकडूंगरी की स्लैब है, अगर किसी कस्टमर का बजट 130-135 रुपये से अबव है तो वो चकडूंगरी की स्लैब परचेज कर सकता है। ये कस्टमर ने स्लैब 160 रुपीज़ में परचेज किया है, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्लैब है। लगभग ये आधी स्लैब लोड हो चुकी है, और बाद में भी आप इसका कलर वगैरह, जो लाइनिंग है वो फ्रेशनेस है, वो रिकवरी देख सकते हो, कहीं पे भी कोई क्रैकिंग नहीं आती। और जो येलो येलो निशान है इससे ये पता चल जाता है कि ये मटेरियल कोई फिलिंग का नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, सीधा मशीन से कटिंग होने के बाद में यहाँ लगाया गया है, ना कि कोई इस पर केमिकल डाल के इसकी कोई घिसाई की हुई है। तो हमारा जो काम है वो जेन्युइन काम है और क्वालिटी का काम है। तो आप मकराना हो तो एक बार एनएम मार्बल में ज़रूर विजिट करो, और अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करना हो तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।